कुरुक्षेत्र के लायलपुर बस्ती में रहने वाला दो जवान बहनों का एक भाई 21 वर्षीय युवक शुभम की किडनी डैमेज होने से जीवन से हुआ लाचार। युवक के जीवन की रक्षा के लिए पूरा परिवार भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बेटे के लिए बाप का काम धंधा भी ठप हो चुका है। बेटे की डायलिसिस के लिए बार बार पैसों के इंतजाम के लिए भटकना पड़ता है। 21 वर्षीय युवक शुभम की एक ही किडनी थी जिसका उसे 2 साल पहले पता लगा। डॉक्टरों के अनुसार युवक शुभम की एकमात्र किडनी भी 2 साल पहले डैमेज हो चुकी है और अब उसे अपने जीवन को बचाने के लिए बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। शुभम की इस हालत से पिता इंद्रजीत का 2 साल में रोज फेरी लगाकर रोटी कमाने का जरिया भी खत्म हो गया है। बेटे की इस हालत में पिता समाज सेवी संस्थाओं और प्रशासन से उम्मीद कर रहा है कि उसके बेटे की जिंदगी किसी तरह बच जाए। शुभम की सहायता के लिए आए समाज सेवक रघुवीर गर्ग तथा वेद प्रकाश ने समाज के लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह से शुभम का जीवन बचाने के लिए आगे आए। हम जी ये कह चाहते हैं जी बिल्कुल को ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कोई दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी। हम बड़े परेशान हैं 2 साल से। 19 साल का था जब दिक्कत आई थी, 2 साल हो गए इसकी दिक्कत आई। तो चंडीगढ़ हमारा नाम रजिस्टर्ड है 1 साल से, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं करी हमारी। तो रिश्तेदारों को कहा मदद के लिए, वही जवाब दे गए जी बाकी हम 2 साल से बहुत परेशान हैं। तो क्या कहेंगे समाजिक संस्थाओं से, क्या लोगों से? बस हाथ जोड़ के हमारी विनती है जी कोई ट्रांसप्लांट के लिए हो तो बड़ी मेहरबानी उसकी होगी, ये हमारी मदद की जाए। तो क्या अपील कर रहे हैं? अपील यही है जी हमारी ट्रांसप्लांट के लिए कोई किडनी देने के लिए हो तो यार तो उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। काम क्या करते हैं? काम तो हमारा कोई बिजनेस है नहीं जी, खाली रहता हूँ जी मैं। क्या नाम है? इंद्र मोहन जी। किडनी प्रॉब्लम क्या कहेंगे, क्या हो? तो यही हम बड़े परेशान हैं 2 साल से, सब हमारा साथ छोड़ गए हैं, हम मजबूर हैं, जगह जगह धक्के खा बैठे हैं, हमारा साथ तो कोई दे नहीं रहा, बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा। काम कुछ भी नहीं करते, खाली रहता हूँ जी मैं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। पहले करते थे फिर 2 साल पहले सब छोड़ दिया हमने जब से दिक्कत आई लड़के को, अब 2 साल से बहुत परेशान। देखिए हमारी तो सबकी हम बार बार यही आपसे प्रेयर और प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा जो निसहाय है, माता इसकी नहीं है, पिता है, और वो 2 साल से जो मेहनत मजदूरी करके ये 2 बेटियां और ये बेटे का पेट पालता था, वो भी 2 साल से इतना मजबूर हो गया कि बच्चे को उठा के जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई, इसको डायलिसिस कराने के लिए भी ये बेचारा असमर्थ होता जा रहा है, लेकिन क्या करे, एक रोते बच्चे को चीखते को कौन उसकी पुकार नहीं सुनता, ये बेचारा बिल्कुल बेसहारा हो गया है। हम तो सिर्फ आप सब, जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यही बेनती और नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि भाई उठो, इस समाज में आए ये बच्चा जिसको जीवन का अधिकार था लेकिन इस बीमारी ने इसको निसहाय बना दिया। भाई ये सुना है, कहते भी हैं कि जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, अगर हम वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भी इस बच्चे की फाइनेंशली हेल्प करेंगे तो हो सकता है ये बच्चे का जीवन बच जाए। और यही समाज में, यही क्योंकि देश में आज हर तरफ से हेल्प होती भी है लेकिन इस बच्चे तक अभी तक वो हेल्प नहीं पहुंच पाई। मैं तो यही कहूंगा भाई, ये ज़रूर ये समाज जहां तक भी सुन रहा है तो यही हाथ जोड़ करके बेनती करता हूं कि भाई इसकी आप हमदर्दी करें और जितना हो सके ये पिता जो कहीं से कोई कारोबार भी नहीं कर रहा और ये बच्चे के लिए दवाई के पैसे तक भी नहीं जुटा पा रहा, आप सब मैं हाथ जोड़ करके बेनती करता हूँ कि आप इसके वेद पर आप बिन धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो आप क्या कहेंगे जो इस बच्चे की जो हालत है, जो बच्चे की जो स्थिति है, इसको देख के क्या कहेंगे? मेरा सभी सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से बहुत ही हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ये परिवार इस टाइम बहुत दुखी है,
दर दर की ठोकरें खा रहा है और ये आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। एक ये बच्चा बेचारा 20 साल का जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, परिवार हर परिवार एक सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा सारा बनेगा, उल्टा ये आज कल पर अपने परिवार पे डिपेंडेड है। इसके पिताजी मेहनत मजदूरी का काम करते थे, वो भी 2 साल से इनका बेचारे का छूट गया है और ये बापू बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा सारे सामाजिक संगठनों से अनुरोध है, मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूँ, लोक जनसेवकों से, कि इसकी आर्थिक रूप से भी मदद की जाए, हर तरह से मदद करी जाए जहाँ भी इसके साथ जाना पड़े, और हर तरह से इसकी मदद करके इस बच्चे का कोई इलाज हो जाए, इसकी किडनी पलटी जाए ताकि इसकी आर्थिक जो लाइन भी बिगड़ी हुई है और ये स्वस्थ रूप से पहले की तरह ज़िंदगी जिए, यही मेरी सबसे प्रार्थना। इस टाइम तो ये परिवार एक किस्म का बहुत ही ज़्यादा इतना दुखी है कि इनके पास खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, दो दो इसकी बड़ी बहनें हैं। बहुत मेरी समाज से प्रार्थना है कि दुख सबका साझा होता है, जब सारा समाज आगे आएगा, जब सारी संस्थाएँ आगे आएंगी, जब भी ऐसा कोई भले का काम हो जा सकता है और सारे समाज की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि इस बच्चे की सब मिलकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और जहाँ भी इसके साथ जाना पड़े इसकी मदद करने का दायित्व है। कोई इस कल्ले परिवार का नहीं है, ये बच्चा समाज का है। मेरी नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से सबसे प्रार्थना है कि इसको अपना बच्चा समझकर, देश का बच्चा समझकर सभी आगे आएं, तब जाके ये काम बनेगा और सभी इकट्ठे होकर इसकी पूरी पूरी मदद करें, आर्थिक रूप से जैसे भी हो सके इस परिवार के साथ जुड़कर इसके साथ चलें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।